हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो भाई, आप लोगों के ना भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आए हैं इस वाली वीडियो के ऊपर, जिसके अंदर आप लोगों ने कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई कैब वाले भाई बोल रहे हैं मैं कैब चलाता हूँ फिर भी नहीं हो सकता है, तो कोई हमारे राइडर भाई बोल रहे हैं कि भाई पूरे दिन ओला चलाता हूँ मैं, मुझे पता है कि इतनी ट्रिप तो आती ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो मिश्रा जी, और झूठ बोल रहा है ये राइडर, और कई तो बोल रहे हैं कि मिश्रा जी अब आप भी क्या ऐसी झूठी वीडियो बनाने लगे हो। तो आप सबके जवाब के लिए हमने ना एक वीडियो बनाई है, संडे के दिन काम किया, छुट्टी वाले दिन, याद रखिएगा छुट्टी वाले दिन, जिस दिन काम बहुत कम आता है उस दिन ये काम करके हमने दिखाया है। और 22 नहीं भाई, 23 राइड पूरी करी है अपनी इस बाइक से करी। अब सोच लो अगर ईवी होती तो भाई जो 3000 का टारगेट है वो भी हमने पूरा कर लिया, तो हमारी कमाई क्या होती। अब आप में से कुछ भाई बोल रहे थे कि मिश्रा जी आप भी ईवी ले लो। भाई अगर हम ईवी ले लेंगे तो हम उबर के ऊपर, रैपिडो के ऊपर, पोटर के ऊपर, बोर्जो के ऊपर कैसे बनाएंगे वीडियो? फिर हमें से सिर्फ ओला के ऊपर बनानी पड़ेगी ना, आपको कैसे नॉलेज मिलेगी फिर इन सब चीज़ों की? तो इसलिए भाई हम ईवी नहीं ले रहे। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि ईवी नहीं ले रहा है, या ईवी लेना कोई बहुत बड़ी पहलवानी का काम है, करवा दी है बुक भाई, 3-4 दिन के अंदर आ जाएगी, वीडियो भी उसकी आ जाएगी। और आप में से जिसको चला के उसकी प्रैक्टिस लेनी है ना, कैसे चलती है क्या है वो सब करनी है ना, वो आ जाना, एड्रेस बता देंगे, वहाँ पे आके ट्राई मार लेना, पसंद आए तो ओला में बुक करा लेना, नंबर नीचे दिया हुआ है इनको कॉल कर लेना, ये सब कुछ समझा देंगे। और हाँ, वो भाई जो कहीं 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 से बुक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई उसके बाद ले लो और चलाओ और कोई भी दिक्कत आएगी तो कंपनी हेल्प करेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक राइडर की हेल्प नहीं करती है, उसके लिए अलग से इन भाइयों ने, जिसका नंबर नीचे शो हो रहा है, इस भाई ने ओला की एक अलग से इलेक्ट्रिक स्कूटी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। 40 से ऊपर राइडर इसके अंदर हो चुके हैं, तो समझ लो कि 40 से ज़्यादा राइडर इस वक्त इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनका रेफरल कोड इस्तेमाल करके ओला की स्कूटी चला रहे हैं, और साथ में उनको हेल्प भी मिल रही है, क्योंकि ओला की स्कूटी लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, तो उसके बारे में आपकी हेल्प कौन करेगा? तो भाई सिर्फ ये ही करेंगे, और या इनका ये वाला ग्रुप करेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ओला की स्कूटी लेनी है तो इनसे लेना, ताकि आगे भी आपको हेल्प मिलती रहे, या फिर अपने नाम के पर्सनल ले, पर्सनल निकाल लो, जाके शोरूम पे पेमेंट दो और वहाँ से पर्सनल निकाल लो और उसको ओला में अटैच कर लो, तब भी आपको ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो टारगेट पूरा करने पे 3000, 22 राइड पूरा करने पे 3000 मिल रहे हैं, ये तब भी मिल जाएगा आपको। हम सिर्फ ये आपको समझाना चाहते हैं, पीछे की वीडियो में भी आपको समझाया है कि भाई हो सकता है इंसेंटिव कुछ टाइम बाद बंद हो जाए, हो सकता है जो अभी रेंट फ्री लग रहा है वो भाई रेंट लगने लगे, तो जब तक नहीं लग रहा है तब तक लो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, रोज़ की 22 राइड करो, 18 राइड करो, 16 राइड करो, अरे यार 2000, 1800, 1500, 2200, 3000 इतना कमाओ, 3-4 महीने भी इंसेंटिव चल गया, अच्छा खासा कमा लोगे, खुद की ले आओ। पीछे की वीडियो, ये वाली वीडियो के अंदर भी हमने यही चीज़ समझाई है, लेकिन आपके ना खोपड़े में घुसती नहीं है। हम आगे से आपके किसी भी नेगेटिव कमेंट्स का जवाब नहीं देंगे, आपको लेनी होगी तो लीजिएगा, नहीं लेनी होगी तो मत लीजिएगा। आप लोगों ने जो हमारे ऊपर सवाल उठाए कि 22 राइड एक दिन में नहीं हो सकती है, हमने भाई वो 22 राइड संडे के दिन कंप्लीट करी है, 22 क्या 23 राइड कंप्लीट कर दी है, देखिए ये वाले वीडियो के अंदर। जिस दिन नहीं होता है बिल्कुल भी काम, उस दिन चलाएंगे दोस्तों हम ओला। जी हाँ, आज है संडे, और संडे के दिन देखेंगे कि सिर्फ एक ऐप पर, जी हाँ सिर्फ एक ऐप पर, वो भी ओला पर, आखिर कितने का काम कर पाएंगे। टाइम हो रहा है सुबह के 9, संडे सुबह 9 बजे निकलते हैं मार्केट में और देखते हैं संडे को ओला में कितने का काम होगा। भाई ये तो कमाल हो गया यार, घर से निकलते के साथ एक मिनट भी नहीं लगा पूरा, और ओला के अंदर 126 रुपए की एक राइड आई है। भाई हमने ये भी नहीं देखा कि बंदा जाएगा कहाँ, हमने तो सीधा क्लिक करा और भाई चल पड़े कस्टमर की लोकेशन की तरफ, और कस्टमर की लोकेशन जस्ट वो सामने बड़ा सा बोर्ड नजर आ रहा है ना, उससे थोड़ा सा ही आगे है। अब कस्टमर को बैठाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें जाना कहाँ पर है। ये वैसे बढ़िया है यार सुबह सुबह निकलने से, अब लेकिन दिक्कत ये है ना कि आज संडे है, तो संडे के दिन क्या होता है कि बहुत कम राइड होती है, लेकिन शुरुआत तो अच्छी हुई है। अब ऐसे ही शुरुआत अच्छी वाली होनी चाहिए भाई, पूरे दिन ऐसे ही अच्छी अच्छी शुरुआत रहे तो मज़ा आ जाएगा। आज देखते हैं भाई पूरे दिन का कैसा हाल रहेगा, बने रहिए वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं वीडियो के ऊपर तो हम उठाते हैं कस्टमर को। पहली राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं और 9:25 हो रहे हैं, 126 रुपए की भाई कमाई भी हो चुकी है। कुछ खास बातें बताएं आपको? एक खास बात तो हम बताएंगे आपको बाद में, क्योंकि एक और ट्रिप आ गई है और भाई 140 रुपए की ये ट्रिप आई है। चलिए पहले इसे भी निपटा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कुछ खास बात।
भरे हुए हैं वीडियो के अंदर, फटाफट उठाते हैं इस कस्टमर को भी और इसको भी छोड़ते हैं। ये कहीं गाजियाबाद का एड्रेस आया था भाई, आज जो है कहीं की ट्रिप नहीं छोड़नी, छोटी मोटी बड़ी छोटी कैसी भी ट्रिप आएगी, कहीं की भी आएगी, सारी की सारी ट्रिप उठानी है, क्योंकि आपको भी दिखाना है और हम भी देखना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि अगर ओला ओला में बंदा काम करे तो भाई कितनी ट्रिप कर सकता है, क्योंकि आजकल ओला इंसेंटिव दे रहा है ट्रिपों के ऊपर ईवी के अंदर, आपको तो पता ही है। तो चलिए हम अपनी इलेक्ट्रिक तो नहीं भाई पेट्रोल वाली बाइक से ही देखते हैं कि ओला में एक दिन के अंदर कितनी ट्रिप आती है। चलिए यू टर्न लेते हैं भाई फटाफट और कस्टमर को उठाते हैं और पहुंचते हैं गाजियाबाद, करते हैं 140 रुपए की कमाई। बहुत बड़ा बैग लेके यार, रेलवे स्टेशन जाना है क्या? ना ना, यहीं पास में मैं जीजू रह रहा हूं। अच्छा वहाँ जा रहे हो, चलो ठीक है, पहले तुम बैठ जाओ, हेलमेट लगा लो, उसके बाद ये पकड़ लेना। ये जुगाड़ बढ़िया है, ना बीच में डालने की जरूरत ना कुछ, पीठ पे लटका रहेगा आराम से। उसका हुक बंद कर दे भाई, वो हुक बंद नहीं होगा। अरे चलो बढ़िया, ये भी। तो भाई 10:10 हो रहे हैं और एक ट्रिप हम कैंसिल भी कर चुके हैं। जी हाँ, जैसे ही कस्टमर को उतारा था वैसे ही एक ट्रिप और आ गई, लेकिन भाई पिकअप जो है वो 4 किलोमीटर दूर से है और 44 रुपये की राइड थी। अब देखो इतना तो खैर नहीं हो सकता ना कि 4 किलोमीटर जाएं पिकअप करने के लिए 44 रुपये की राइड को, तो मजबूरी में हमने उसे कैंसिल कर दिया। एक और लंबी बुकिंग के पिकअप के लिए हम भाई पिकअप पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और ये पिकअप होगा कश्मीरी गेट, यानी कि ये पिकअप जो करेंगे इनको ड्रॉप करना है कश्मीरी गेट बस अड्डा। आप ही चलेंगे? ठीक, 7008। ये लीजिए हेलमेट। तो दोस्तों कस्टमर को हमने छोड़ दिया भाई निगम बोध घाट, यहाँ पर कस्टमर को आना था ISBT, हम सोच रहे थे बस अड्डा, लेकिन भाई प्रभु के अंतिम द्वार पे कस्टमर को उतार दिया है और हम जा रहे हैं भाई किसी और राइड के इंतजार में। अगर बात करें तो 11 बज रहे हैं और निकले हुए 2 घंटे हुए, और अगर काम की डिटेल देख रहे हैं तो भाई 400 रुपये का काम हो चुका है 2 घंटे के अंदर। अभी और इंतजार है लंबी लंबी ट्रिपों का, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों जय श्री राम के साथ आपको बता दें, सामने जो मंदिर है ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, अपने मरकट वाले बाबा के नाम से मशहूर है। अब हम जा रहे हैं ISBT की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए भाई ISBT के पास और अभी अभी 110 रुपए की एक राइड छोड़ भी चुके हैं, यानी मिस कर दी है, बाइक चला रहे थे हाथ नहीं मार पाए। अब देखते हैं कहाँ की ट्रिप आती है भाई। अभी अभी एक और ट्रिप हमने एक्सेप्ट करी थी 240 रुपए की राजनगर की, राजनगर एक्सटेंशन अपना, और कस्टमर को उठाया भाई लाल किला रेड लाइट से, और रेड किला रेड लाइट से हम जहाँ पहले खड़े थे ना जस्ट वहीं पे ही आए, इतने में उनका कॉल आ गया, वो कोई और किसी और के साथ जाना था भैया, हमने एड्रेस चेंज करवा लिया, वापस निगम बोध घाट डलवा दिया और 29 रुपये की ये राइड हो गई। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? अभी कुछ दिन पहले नोएडा के अंदर भी एक बड़ी लंबी राइड आई थी, वो भी भाई थोड़ी दूर आके ट्रिप एंड करवा दिया, हमने कहा भैया लोकेशन चेंज कर दे। इसमें भी यही हुआ यार, इन्हों को भी राजनगर जाना था और लास्ट में मजबूरी में हमने निगम बोध घाट अपडेट करवाया और इनको यहाँ छोड़ दिया, 29 रुपया कुल मिला। तो तकरीबन आधा घंटा होने को आ गया है भाई, एक भी राइड नहीं आ रही है, और हमें इसलिए लग रहा है कि राइड नहीं आ रही है क्योंकि हमने लगातार 3 ट्रिप छोड़ दिए भाई। कुछ ऐसा होता है क्या लगातार 3 ट्रिप छोड़ने की वजह से फिर ओला बैठा देता है? आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो बताओ यार, हम कोशिश करेंगे अब कोई ट्रिप ना छोड़ें। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भाई मलकागंज, और एक बात बताएं आपको भाई, ओला की ट्रिपें कैंसिल मत करा करो यार एक्सेप्ट करने के बाद। हमने ना लगातार 2 ट्रिपें एक्सेप्ट करी और कैंसिल कर दी भाई, ओला ने बड़ा लंबा बैठा दिया। खैर बैक टू बैक 2 ट्रिप करी है, दूसरी ट्रिप यहाँ मलकागंज में एंड करी है, अब देखते हैं कहाँ की ट्रिप आएगी। ये वाली ट्रिप कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद बताएंगे कितने घंटे अभी हो चुके हैं और कितने का काम हो चुका है, तो आने दीजिए एक और ट्रिप को। तो भाई कमला नगर से एक ट्रिप लेके आए थे अशोक विहार, और अशोक विहार यहाँ आते के साथ ही ड्रॉप किया, और ड्रॉप करते एक ट्रिप आ गई और भाई जैसे चलने लगे ना वो कैंसिल भी हो गई। 2.5 किलोमीटर दूर से आई थी, कस्टमर को ज़्यादा जल्दी होगी, ट्रिप की अमाउंट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी ट्रिप थी इसलिए कैंसिल कर दी होगी। खैर कोई बात नहीं भाई, अगर अब काम की बात करते हैं तो 2 बज रहे हैं यानी 5 घंटे हुए हैं, 5 घंटे के अंदर 580 रुपये यानी 600 रुपये का काम हुआ है, और टोटल राइड की बात करें तो भाई 7 राइड अभी तक हो चुकी है, लेकिन वीडियो में बने रहना अभी तो और राइड बाकी है भाई। ये है रोहिणी का मॉल भाई, जहां हमने अपनी 8वीं राइड अभी अभी कंप्लीट करी है, कमाई अभी देखी नहीं है, 10वीं राइड के बाद ये बताएंगे भाई आपको कमाई। इंतजार करते हैं फटाफट, 8 हो गई है, 2 और रह गई हैं, 2 और राइड कंप्लीट करेंगे फिर बताएंगे आपको। आजा 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 आजा। ट्रिप करते करते भाई हम पहुंच चुके हैं हरिनगर, और अगर ट्रिप की बात करें तो 10 ट्रिप हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, टाइम की बात करें तो 7 घंटे हो चुके हैं,
जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर खड़े हुए हैं और आई थिंक 16वीं राइड को हम उठाने के लिए आए हैं भाई। कस्टमर से बात हो गई, उसे बता दिया भाई हीरा स्वीट्स के सामने खड़े हैं। ध्यान रखिएगा 16वीं राइड है ये। आप लोग बोलते हैं ना कि राइड नहीं आती ओला के अंदर, देख लीजिए आज संडे के दिन भी 16वीं राइड को पिकअप करने के लिए आए हैं। अभी तो देखते हैं और कब तक काम करने का मन करता है और कितनी हम राइड कंप्लीट कर लेते हैं, काम तो आपको बता ही देंगे पूरा। अभी हम हैं कीर्ति नगर में, जी हाँ कीर्ति नगर में। पूरे 12 घंटे हो गए हैं, यानी कि हमें टोटल घर से निकले हुए 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। और अगर ट्रिप की बात करें तो भाई 18 ट्रिप हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और काम की बात करें तो 1200 रुपये के आसपास का काम हो चुका है। अभी हमारा इरादा है भाई 3 ट्रिप और करने का। अब जल्दी जल्दी ऊपर वाले से दुआ करो कि ये 3 ट्रिप भी कंप्लीट हो जाए और हम आपको दिखाएं कि भाई 22 ट्रिप एक दिन के अंदर हो सकती है। तो दोस्तों अभी हम हैं भाई करमपुरा और करमपुरा पे 10:04 हो रहे हैं। 10:04 पे हमने 21वीं ट्रिप उतारी है। अब सिर्फ एक ट्रिप बाकी है, 22 ट्रिप कंप्लीट हो जाएंगी। अभी तक की बात करते हैं तो भाई 13 घंटे हो गए हैं। अब एक ट्रिप और लेते हैं, उसके बाद घर की तरफ निकल लेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 22 ट्रिप करके हम खाली खाली घर की तरफ आए हैं भाई, ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। जी हाँ, एक रेलवे स्टेशन की ट्रिप भी उठा के ले आए और ये इसको मिलाकर भाई टोटल 23 ट्रिप हो चुकी है। और अभी देखते हैं यहाँ से और भी ट्रिपें बस तो नहीं है, लेकिन नोएडा साइड की बजेगी तो उसे भी उठा लेंगे तो वो हो जाएगी 24वीं ट्रिप। अब हो या ना हो भाई, आप लोगों का कुछ कहना था और उसके जवाब में हमने ये वीडियो बनाया है। चलिए घर पर चल के बात करते हैं। तो दोस्तों अभी भी ना कुछ भाई ये बोल रहे होंगे हो सकता है फर्जी ट्रिप हो, तो ये सामने ये साइड में लगा दिया है हमने, ये हमारे फ़ोन पे जो QR कोड से पेमेंट लेते हैं ना भाई, पूरी कोशिश करी कि सबको हमने बोला भाई कैश मत दो, QR कोड पे पेमेंट करो, क्योंकि हमें पता है भाई राइडर कभी नहीं सुधर सकता और ख़ासकर नेगेटिव राइडर तो कभी नहीं सुधर सकता, इसलिए साइड में लिस्ट चल रही है देख लो। ज़्यादातर पेमेंट हमने भाई QR कोड से ही ली है और लोगों ने हमें UPI पेमेंट करी है। कुछ ट्रिपें ऐसी थी जो ओला के प्लेटफॉर्म पे ही ऑनलाइन थी, तो वो तो भाई ऑनलाइन थी तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आई थिंक एक या दो ट्रिप कैश की थी जो कैश आ गया था। अब आप समझ लो भाई आपको क्या करना है। खैर देखो, आप करो या मत करो भाई, हमारा कुछ नहीं जाता है, हमारा काम है आपको जानकारी देना। आपकी इच्छा है उस जानकारी के अनुसार काम करना या ना करना। फायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा, हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना। और ऐसी ही और जानकारियां अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकॉन कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में और धाकड़ धाकड़ जानकारी मिल सके। आजकल हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, जाते जाते बता देते हैं ओला उबर के अंदर भी घुसने की। जी हाँ, आने वाले टाइम में आपको ओला उबर से संबंधित समस्याओं के बारे में भी हम जानकारियाँ देंगे और कुछ हेल्प भी शायद कर पाएंगे, वो वक्त ही बताएगा। खैर अभी हम चलते हैं भाई किसी और काम के लिए, किसी और जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, और आपको मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। और जाते जाते कहेंगे जय हिंद जय भारत।